एक साइंटिस्ट ऐसा गैजेट बनाता है जिससे कि पास्ट में हुई घटनाओं को देखा जा सकता है। आज हम शॉर्ट फिल्म इको टॉर्च को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक साइंटिस्ट एक बल्ब के साथ दिखाई देता है। जब वो बल्ब की रोशनी को बढ़ाता है तो पास ही में एक स्टैचू का होलोग्राम दिखाई देता है और वो साइंटिस्ट ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी करंट ज्यादा होने की वजह से वो बल्ब फट जाता है। इससे वो साइंटिस्ट परेशान हो जाता है और वो उस फूटे हुए बल्ब को निकाल कर फेंक देता है। और इसके बाद हमें एक डिब्बे में बहुत सारे फूटे हुए बल्ब दिखाई देते हैं। अब वो साइंटिस्ट डिब्बे से एक नया बल्ब निकालता है। इसके बाद वो उस पर किसी तरह का केमिकल लगाता है। फिर वो उस बल्ब को फिर से उसी मशीन में फिट कर देता है। जब वो पावर ऑन करता है तो देखता है कि ये बल्ब बिल्कुल सही काम कर रहा है और इस बार उस बल्ब में से नीले कलर की रोशनी निकल रही थी। उस लाइट पे कुछ देर के लिए एक हाथ मंडराता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर अगले ही पल गायब हो जाता है। इसके बाद उस रोशनी में एक आदमी माइनिंग का काम करता हुआ दिखाई देता है। जब वो साइंटिस्ट उस लाइट को उस माइनर की ओर करने लगता है तो उस लाइट का तार निकल जाता है और वो माइनिंग करने वाला आदमी भी गायब हो जाता है। इसके बाद वो साइंटिस्ट एक दुकान पर जाता है और वहाँ से एक मेटल की रॉड खरीदता है। इसके बाद उस रॉड पर वो वेल्डिंग करता है और एक पुराने पड़े खंडर घर में जाता है। वो फ्लैश लाइट ऑन करके वहाँ पे कुछ ढूंढने लगता है। फिर हमें जमीन पर एक परछाई को दिखाया जाता है। जब कैमरा फोकस होता है तो पता चलता है कि उस साइंटिस्ट ने अपने आविष्कार को अपग्रेड कर लिया है और उसे हाथ में पकड़ने वाली टॉर्च में कन्वर्ट कर दिया है। जब वो उस लाइट को ऊपर करता है तो हम देखते हैं कि एक खिलौने जैसी चीज हवा में मंडरा रही है। जब वो साइंटिस्ट अपना सर हिलाता है तो वो खिलौना भी अपना सर हिलाता है और जब वो हाथ हिलाता है तो वो खिलौना भी अपना हाथ हिलाता है। इसके बाद जब वो आदमी लाइट को ऊपर करता है तो पता चलता है कि ऊपर कुछ भी नहीं है और वो खिलौने जैसी दिखने वाली चीज तारों की मदद से अकेले ही झूल रही है। फिर वो एक बड़े से रूम में जाता है जहाँ पर उसे एक म्यूजिक प्लेयर रखा हुआ दिखाई देता है। जब वो अपनी टॉर्च को उसके ऊपर करता है तो उसमें से गाना बजने लगता है और कुछ लोग नाचते हुए भी दिखाई देते हैं। फिर वो उस घर की एक दूसरी जगह पर जाता है और वो अपनी उस टॉर्च से देखता है कि कुछ मछलियाँ हवा में तैर रही हैं। आगे बढ़ते हुए उसे अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। जिस रूम से आवाज आ रही थी ये आदमी उसी रूम की तरफ जाता है। उस रूम की दीवार पर बहुत सारे खुरचने के निशान थे। जब वो अपनी लाइट को उस दीवार की तरफ करता है तो देखता है कि कोई दीवार की तरफ मुंह करके बहुत तेज चिल्ला रहा है। उसका शरीर दिखने में तो बिल्कुल इंसानों जैसा ही था पर उसकी आंख और चाल चलन बिल्कुल जानवरों जैसे थे। वो जानवरों जैसी दिखने वाली चीज उस आदमी की तरफ देखने लगती है और वो गुस्से में बहुत सारी चीज उस आदमी की ओर फेंक कर मारता है, जिससे उसकी टॉर्च का बल्ब टूट जाता है और वो जानवर भी दिखाई नहीं देता। लेकिन वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और भाग कर जल्दी से एक दूसरे रूम में जाकर अपनी टॉर्च का बल्ब चेंज कर लेता है। टॉर्च के ऑन होते ही वो जानवर फिर से दिखाई देने लगता है। अब की बार वो जानवर जैसे ही हमला करता है तो गलती से वो टॉर्च को टच कर देता है। इससे उसे बहुत तेज बिजली का झटका लगता और डर के वहां से भागने लगता है। फिर वो आदमी सीढ़ियों से होते हुए नीचे एक और कमरे में जाता है। वहां पर उसे एक औरत दिखाई देती है। जब वो औरत उस आदमी की ओर देखती है तो बहुत खुश होती है। अब वो आदमी अपना हाथ आगे करता है लेकिन चाहते हुए भी वो औरत उसे छू नहीं पाती है। इसके बाद वो आदमी उस औरत को उस रूम में ले जाता है जिसमें म्यूजिक प्लेयर रखा हुआ था। वो फिर से म्यूजिक प्लेयर के ऊपर लाइट करता है और म्यूजिक बजना चालू हो जाता है और वहाँ पर फिर से बहुत सारे लोग डांस करने लगते हैं। पर इस बार हमें सैनिक के यूनिफॉर्म में एक और आदमी दिखाई देता है और वो औरत और सैनिक दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। इसके बाद में हमें एक आदमी दीवार के पास में खड़ा हुआ दिखाई देता है और तभी हमें पता चलता है कि ये औरत इस सैनिक की ही बीवी है। फिर एक फोटो में हमें वो औरत और एक बच्चा दिखाया जाता है और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये औरत इस साइंटिस्ट की माँ है। और अब हमें फिर से वही रूम दिखाया जाता है जहाँ वो सैनिक और उसकी बीवी एक दूसरे के गले लग रहे थे। ये आदमी इसी तरह अपने मम्मी पापा की आत्मा को एक दूसरे के साथ मिला देता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ आज की हमारी ये शॉर्ट फिल्म यहीं पर खत्म होती है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर से एक और नई मूवी के साथ।